जम्मू कश्मीर में दो जगह मुठभेड़, बारामूला में तीन आतंकी ढेर। किश्तवाड़ में कल दो जवान शहीद हुए थे। सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की शनिवार को रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दो जगहों पर मुठभेड़ जारी है। बारामूला में तीन आतंकी मारे गए हैं। किश्तवाड़ में कल दो जवान शहीद हुए थे, दो अन्य घायल हैं। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। बारामूला जिले के क्रैरी के चट टॉपर इलाके में शुक्रवार 13 सितंबर देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया। अभी इनकी पहचान नहीं हुई है। किश्तवाड़ के चतरू बेल्ट के नैदघाम गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 पर मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना को जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकियों के होने की खुफिया सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई। इससे पहले कठुआ के खंडारा में भी पुलिस का ऑपरेशन चला। वहां राइजिंग स्टार कोर के सैनिकों ने दो आतंकियों को मार गिराया। सेना ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने उधमपुर में 11 सितंबर को तीन आतंकी मारे थे। सेना ने बताया कि आर्मी के फर्स्ट पैरा के जवानों को उधमपुर के खंडरा टॉप के जंगलों में दो तीन आतंकियों के छिपे रहने की सूचना मिली थी। करीब 4 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 14 सितंबर को मेगा रैली को संबोधित करेंगे। ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी चुनाव घाटी के तीन जिले डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे।